अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तमाम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बताए हैं। इसके अलावा SLO बेस क्वेश्चन और उनके भी सॉल्यूशन बताए हैं। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएँ ताकि आप हमारे वाले नोटिफिकेशन देख सकें और अपनी राय का इजहार कमेंट करें। आज की वीडियो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पर हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे कि जब हमारे पास लिमिट अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हो तो क्या। ठीक है, हमारे पास दो ही टाइप की लिमिट्स इन्फिनिटी में होंगी, या पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, या तो आपका नंबर पॉजिटिव साइड से इन्फिनिटी टू ज़ीरो को अप्रोच करेगा, या फिर नेगेटिव साइड से इन्फिनिटी से ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो या ज़ीरो से इन्फिनिटी तक के नंबर होंगे पॉजिटिव साइड पर, और ज़ीरो से इन्फिनिटी तक के नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, इसको हम इवेलुएट करेंगे और देखेंगे अगर हमारे पास इन्फिनिटी में अगर कोई लिमिट आ जाती है फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, और फंक्शन है मेरे पास 5x पावर 4 10x² + 1 डिवाइडेड बाय -3x³ + 10x² +। अच्छा, जब इस तरह का फंक्शन आपके पास आ जाए तो पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपके पास जो 1/x है, अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इन्फिनिटी हो, तो 1/x आपके पास आ जाए तो 1/∞ = 0, चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, अगर आपके पास बिटवीन में इन्फिनिटी आ जाता है तो वो = 0 हो जाए। यहाँ पे अब मुझे इसी तरह का फंक्शन बनाना है कि मेरे पास डिवीजन में मेरे पास एक्स आए, और ये जो मेरे पास एक्स है, x^4, x³, x² ये मेरे पास खत्म। ऐसी सूरत में मैं क्या करूँगी, इन सब को मैं x³ से डिवाइड कर, तो डिवाइडिंग बाय x³। ठीक है, इसको मैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये मेरे पास अगर x³ से डिवाइड होगा 5x⁴ डिवाइडेड बाय x³ - 10x² / 1/x। यहाँ पे आ जाएगा -3x³/x³ + 10x² / x³ + 50/x। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये x³ कैंसिल हो जाएंगे और ये मेरे पास जो बाकी इक्वेशन बचेगी वो क्या, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा होगा 5x - 10/x + 1/x³ डिवाइडेड बाय -3 + 10/x + 50/x। ठीक है, अब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूँ, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद जहाँ जहाँ मेरे पास डिवीजन में एक्स है वो तो मेरे पास हो जाएगा 10/∞, वो भी 0, 1/∞ का क्यूब हो जाए या जो भी हो जाए वो आपके पास 0 की। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, क्या होगा कि 5x है ना, तो जाहिर बात है x के साथ मेरे पास इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे इन्फिनिटी माइनस 10/x है डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आ जाए तो वो = 0 होता है, ये आपको पहले बताया गया था। तो ये मेरे पास -0 और ये मेरे पास +0। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मेरे पास आ जाएगा -3 + 0 + 0। ठीक है, ऐसी सूरत में इन्फिनिटी जारी बात है, ये तो मेरे पास इन्फिनिटी आएगा और डिवाइडेड बाय जब -3 आ जाएगा ये मेरे पास आंसर हो जाएगा सारे का सारा 0। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।